आज इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक आयुर्वेदिक की नदियों के बारे में पढ़ेंगे जिनको लेकर के परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफगानिस्तान की उन चार नदियों के बारे में जिनका जिक्र परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहली नदी है उभा नदी, ठीक। उभा नदी का आधुनिक नाम काबुल है, ठीक। इसी प्रकार से दूसरी नदी क्रमु है जिसका वर्तमान नाम कुर्रम मिलता है। तीसरी नदी है श्वास्तु नदी जिसका वर्तमान नाम श्वात मिलता है। और चौथी नदी है गोमल जिसका वर्तमान नाम गोमती मिलता है। ये गोमती फैजाबाद के रीजन में, अयोध्या के रीजन में बहने वाली गोमती नदी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम अफगानिस्तान की नदियों का के बारे में पढ़ेंगे, तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की इन चार नदियों का जिक्र मिलता है। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अफगानिस्तान में बहने वाली किन चार नदियों से आर्य परिचित थे। तो मान लीजिए वहां पर विकल्प में दे दिया जाता है, एक का नाम बदल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कुभा का बदल दिया गया और पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सी नदी थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में बहती थी। आर्यों की, ऋग्वैदिक आर्यों की जो सबसे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी के आर्थिक महत्व के कारण इसको हिरण्यनी कहा गया है। अगर परीक्षा में सवाल आता है कि निम्नलिखित में से हिरण्यनी नदी किसको कहा गया है, तो हिरण्यनी नदी किसको कहा गया है? सिंधु नदी को हिरण्यनी कहा गया है। उसके बाद में सिंधु की पांच सहायक नदियां हैं, उन पांच सहायक नदियों का भी जिक्र है जिनके प्राचीन नाम को वर्तमान नाम के साथ में मिलान करने के लिए पीसीएस जैसी परीक्षाओं में आता है। जैसे एक नदी है विपाशा जिसका आधुनिक नाम व्यास है, दूसरी है परुषणी जिसका आधुनिक नाम रावी है, और तीसरी है वितस्ता जिसका आधुनिक नाम झेलम है, और शतुद्री जिसका आधुनिक नाम सतलज है, इसी प्रकार से अश्विनी जिसका आधुनिक नाम चेनाब है। तो सिंधु की ये पांचों सहायक नदियां और इन पांचों सहायक नदियों से ऋग्वैदिक आर्य परिचित थे। उसके बाद में एक सबसे पवित्र जो उनकी नदी थी उसका नाम था सरस्वती नदी, ठीक। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी थी। जबकि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। ये वही सिंधु नदी है जिसकी चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता में की गई है, ठीक है। अब सरस्वती नदी की पवित्रता को आप इसी बात से देख सकते हैं, जैसे सरस्वती नदी के लिए नदीतमा कहा गया है। नदीतमा यानी कि नदियों में सबसे श्रेष्ठ, ठीक। दूसरा बात क्या कहा गया है सरस्वती नदी के लिए? दूसरी बात कही गई है मातेतमा, यानी कि मातेतमा माओ में सबसे श्रेष्ठ। एक और बात कही गई है देवीतमा, देवीतमा देवियों में सबसे श्रेष्ठ, ठीक। नहीं तो यहाँ पर सरस्वती नदी की पवित्रता ऋग्वैदिक आर्यों के लिए इतनी थी कि आप इन शब्दों से उसको समझ सकते हैं। या परीक्षा में अगर ये भी देखने को मिल जाए कि मातेतमा ऋग्वैदिक आर्यों की निम्नलिखित में से कौन सी नदी थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी, ठीक। इसी प्रकार से कुछ नदियों का उल्लेख है जो ऋग्वेद में किया गया है, जैसे यमुना नदी है, ठीक। यमुना नदी, तो यमुना नदी का उल्लेख पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। और गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। ये तो सवाल पूछा जाता है, लेकिन अब इन नदियों के साथ में, जैसा कि मैंने आपको अफगानिस्तान की चार नदियों के बारे में बताया, उसके बाद में सरस्वती की नदियों के बारे में बताया, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये सरस्वती नदी है क्या। दरअसल इस समय कहा यह जाता है कि सरस्वती नदी जो है वो भारत में जो राजस्थान और हरियाणा का क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों में बहती थी। लेकिन ऋग्वेद में जिस सरस्वती नदी की चर्चा की गई है वो इंडिया के मैप को आप दिमाग में लाइए और उसके बाद में सरस्वती नदी की चर्चा अफगानिस्तान के पास में की गई है, ठीक। कहाँ पे? अफगानिस्तान के पास में की गई है और उसको बताया जाता है कि ये आधुनिक उसका आज का नाम, जैसे आपने रावी व्यास झेलम को देखा उसका प्राचीन नाम था, वैसे इसका सरस्वती जो है वो आधुनिक हेलमंद नदी है। हेलमंद नदी, इसी हेलमंद नदी का प्राचीन नाम है, ठीक। तो परीक्षा में ये सवाल तो नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि कौन सी सबसे पवित्र नदी है। पवित्र नदी
सरस्वती है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु नदी है, जिसको हिरण्यनी कहा गया है। अब इन नदियों के बेसिस पे, इन्हीं नदियों के आधार पे ऋग्वैदिक आयुओं का भौगोलिक क्षेत्र भी हम समझ लेते हैं। जैसे उत्तर में हिमालय का जिक्र है और उत्तर में काश्मीर की एक नदी का भी जिक्र है, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम्स में उतना नहीं पूछा जाता। यानी कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी, हम यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में बात कर रहे हैं, हम उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रहे हैं, ना उत्तर वैदिक आर्यों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्यों की बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक आर्य के बारे में ही, या ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, जिसकी समय सीमा 1500 से 1000 BC है। ठीक, तो यहाँ पर दक्षिण में मध्य गंगा घाटी और पश्चिम में अफगानिस्तान, या यूं कहें कि पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और पूर्व में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है, यानी कि ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा जो थी वो क्या थी, गंगा नदी थी। अब आगे चलकर के उत्तर वैदिक काल में यही आर्य जो है वो बिहार की जो सदानीरा नदी है, सदानीरा नदी जिसको कहते हैं गंडक नदी, वहां तक जो है इसका विस्तार होता है और इधर विंध्याचल पर्वत तक विस्तार होता है, उसको हम यहाँ नहीं समझते हैं। अभी तक यही समझते हैं कि ये जो सरस्वती नदी है और जो सिंधु नदी है, और सिंधु की ये जो पांचों सहायक नदियां हैं, तो ये पूरा जो क्षेत्र था उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं, सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं। ठीक, यानी कि सप्त सैंधव क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल थी, तो सिंधु नदी और सिंधु की पांचों नदी ये, तो 5, 1, 6 और सरस्वती नदी 1, ये 7। उसके बाद में ये जो अफगानिस्तान की नदियां थी, दरअसल ये अफगानिस्तान की नदियां भी अपने आप में सिंधु की ही सहायक नदी है, ठीक ना। तो ये ऋग्वैदिक आर्यों की नदी हो गई, और नदियों के साथ में उनका क्या हो गया, भौगोलिक विस्तार हो गया, भौगोलिक विस्तार। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म को पढ़ेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे कि क्या वे प्रकृति की पूजा करते थे कि नहीं करते थे, बहुदेववाद उनके यहाँ पर चलन में था कि नहीं था, इसको लेकर के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उसको हम नेक्स्ट